वैदिक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिशन नारीवाद से जुड़े। बुराई को जान से भुला ले, मन की बुराई को जान से भुला ले। गंगा में नहाने का कोई फायदा नहीं जब तक मन तुम्हारा साफ नहीं है। और गंगा में लोग धोने के लिए क्या जाते हैं? अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं ना। अगर पानी पापों को धोता है तो उसका तो धोने का काम है, फिर तो वो पुण्य को भी धो देता होगा। सीधी सी तो बात ये है। और दूसरा, वहां पर जाकर भी कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो पाप कमाने से बाज नहीं आते। एक माता जी गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार खड़ी है और डुबकी लगाते लगाते ध्यान आया कि कुछ दान करना चाहिए। अब जेब में से 1 रुपए का सिक्का निकाला। दान भी ऐसी जगह करते हैं जहां देने का कोई फायदा नहीं और भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम करते हैं। लाखों करोड़ों रुपया नदियों के नालों के अंदर में लोग बहा देते हैं। मैं कहता हूं, अगर नदियों के ऊपर जाकर ही दान करने की प्रवृत्ति तुम्हारी है तो एक काम करना चाहिए, क्या नदियों के ऊपर बड़े बड़े दान पात्र लगवा देने चाहिए, जिस पर एक दान पात्र पर लिखवा देना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा है जो गौ में होती है, गौओं के लिए चारे का इस्तेमाल रहने की व्यवस्था की जाती है, उसके लिए दान इकट्ठा किया जाता है। करो दान, उसमें डालो जितना डालना है। गरीब की बेटी की शादी के लिए दान इकट्ठा किया जाता है, करो दान कितना किया जाता है। अरे नंगों को कपड़ा देने के लिए दान इकट्ठा किया जाता है, करो दान। दान ऐसे करना चाहिए, पानी में फेंकने से अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। माता जी ने सोचा कि दान करना चाहिए, 1 रुपए का सिक्का निकालकर पानी में घुस गई और डुबकी लगाई, अंदर 1 रुपए का सिक्का छोड़ दिया, फिर बाहर निकली और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके श्रद्धा के साथ में प्रार्थना करती है और क्या कहती है? कहती है, गंगा मैया मेरी पड़ोसन रसोई में खाना बना रही हो और कहीं से गैस लीक हो जाए, सिलेंडर फट जाए, पड़ोसन मर जाए, 3 महीने के बाद फिर स्नान करने के लिए आऊंगी। ऐसे हालात हो गए पाप कमाने से बाज गया। तो क्या कहा? मन की बुराई को जान से भुलाने, मन की बुराई को जान से भुलाने, पर जीवन की बगिया फिर से खिला ले, फिर से खिला ले, शुभ कर्मों में क्यों भाले अड़ंगे, शुभ कर्मों में क्यों भाले अड़ंगे, छोड़ अब लोग कर्म करने लगे और कर्म ऐसा करने लगे कि अपना ही अपना लाभ देखते हैं। लोग धन कमाना, ये भी तो कर्म करके ही कमाया जाता है, बिना कर्म करके थोड़ा धन मिल जाता है, क्योंकि सब आशाराम निर्मल बाबा थोड़ा बन सकते कि बैठे बैठे लोग ही पूछते रहेंगे उनको, ऐसा नहीं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन कर्म कई लोग करते तो हैं, लेकिन वो कर्म करते इसके लिए, अपने स्वार्थ के लिए। धन इकट्ठा कर लिया, गरीब मर रहा है, कोई ध्यान नहीं, अपने आप में ही वस्तु नहीं समाता। याद रखना, सिकंदर जैसा बादशाह भी संसार से गया तो खाली हाथ चला गया, सब यही छोड़कर चला गया। और एक लिखने वाले ने भी लिखा है कि दुनिया में आकर कमा लो कितने लाखों हीरे मोती, अरे दुनिया में आकर कमा लो कितने लाखों हीरे मोती, ये भी बात याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती, जब जाओगे तो सब यही छोड़कर चले जाओगे, कनक का पुतला भी नहीं जाएगा साथ। और एक और बात, यहाँ इस संसार में, भौतिक संसार में रहते हुए ये धन बहुत काम आ जाता है लोगों के, फांसी की सजा भी माफ हो जाती है लोगों की,
गुनाह भी माफ हो जाते पैसे के बलबूते पर, लेकिन जब उसका चेहरे में परमात्मा के सामने जब खड़े होना पड़ेगा ना कटघरे में, वहां किसी का पैसा धन चलने वाला नहीं, वहां क्या होगा तो सुनो। अरे पाप की कमाई ना संग में चलेगी, पाप की कमाई ना संग में चलेगी, पाप की कमाई ना संग में चलेगी। ईश्वर के दर पे ना रिश्वत चलेगी, ऐसे चलेगी तेरी दाल गलेगी, चढ़ के जाएगा चारे कंधे बस, चढ़ के जाएगा चारे कंधे, छोड़ दे सारे पाप के कंधे, कर्म कमाए अरे वो कंधे, छोड़ दे सारे पाप के कंधे, फिरे भटकता फिरे भटकता जो लोग कहते जी कोई नई बात बताओ, इनका तो हमें भी पता है, बड़े चालाक हो गए, जानते तो हैं लेकिन मानने से इनकार कर देते हैं। आओ क्या हो गया, अरे समझाना जग को पूरे किसी की नानी, समझाना जग को तूने किसी की ना मानी, समझाना जग को तूने किसी की ना मानी, सदा मन की मानी, अपने मन की मानी, लग गए तुझको चारे चंदे, अब लग गए तुझको चारे चंदे, छोड़ दे सारे पाप के बंधे, अरे वो बंधे, छोड़ दे सारे पाप के बंधे। कोई तरीका अलग से अपनाओ, कोई जिससे बात समझ में आ जाए, तो तरीके क्या क्या अपनाए सुनो। उपदेश में बताया अरिका के समझाया, समझाया उपदेश में बताया, ऋषियों ने जो बताया संदीप में उगाया, और फिर भी जो तेरी समझ में ना आया, समझ में ना आया ये जीवन बिताया,
साथियों, वर्तमान समय में यदि आप अपने बच्चों को अच्छे विचारों से संस्कारित करना चाहते हैं तो आप आर्य समाज विचारधारा से, वैदिक विचारधारा से तैयार मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें और इसमें हर तरह की अच्छी बातें आपको जरूर मिलेंगी। इसको दीक्षेंद्र आर्य जी द्वारा तैयार किया गया है और ये आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके बच्चों को एक सही दिशा पर ले जाने का।